छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार जनसभा कर रहे हैं। इसी दौरान लौटते समय उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। गनीमत रही कि प्रत्याशी की जान बाल बाल बची। वहीं हमले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार उतरे हुए हैं। बुधवार की रात करीब 9:30 बजे उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया। गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ से लगे ग्राम झाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रचार के बाद वो अपने निजी वाहन से नवागढ़ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी में अज्ञात व्यक्ति ने पथराव कर जानलेवा हमला किया, जिससे गाड़ी की विंडो ग्लास क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद गनीमत ये रही कि गुरु रुद्र कुमार बाल बाल बचे। घटना की जानकारी होते ही कांग्रेसी समर्थकों में भारी नाराजगी देखी गई। प्रत्याशी के समर्थकों ने नवागढ़ थाना पहुंचकर लिखित शिकायत कर अज्ञात लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही SP भावना गुप्ता, SP पंकज पटेल, SDOP मनोज तिर्की मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने वहां पहुंचकर घटनास्थल और क्षतिग्रस्त गाड़ी का जायजा लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए SP भावना गुप्ता ने कहा कि घटना के बाद पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।